थैंक यू फॉर forever. Please subscribe, like, फ्रेंड्स and press प्लीज सब्सक्राइब लाइक नमस्कार मैं रविश कुमार संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पास भी हो जाता तो क्या युद्ध रुक जाता ज़ज़ीरा की एक रिपोर्ट में पढ़ने को मिला कि उन्नीस से 2021 के बीच संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने कम से कम तिरपन ऐसे प्रस्तावों को वीटो कर दिया पास नहीं होने दिया जिनमें इसराइल की निंदा की जा रही थी अगर शुक्रवार का प्रस्ताव इसलिए गिरा कि हमास की निंदा नहीं थी तो उसी के साथ इसे भी याद रखा जाना चाहिए कि जब हिंसा के लिए इसराइल की निंदा का प्रस्ताव आया जब भी आया वह गिर गया इस तरह से इन प्रस्तावों की परंपरा यह बनती है कि कुछ भी हो जाए इसराइल के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पास नहीं होगा मूल बात हमास की निंदा की नहीं है इसराइल को निंदा की खरोच से बचाने की है जिनकी जमीन और जान चली गई उनके लिए यह दुनिया इससे ज़्यादा और कितनी मानवीय हो सकती थी हम संयुक्त राष्ट्र के एकल राष्ट्र में बदलने की बात इस वीडियो में आगे करेंगे अभी तो यह देखिए कि प्रस्ताव पर वीटो कर ताकत दिखाने वाला अमेरिका करीब करीब गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है कि इसराइल गजा में पानी बिजली और इंटरनेट की सप्लाई बहाल कर दे उसकी सारी मजबूरी इस अपील में दिखती है बाकी इसराइल को सैनिक और सैनिक साजो सामान की सप्लाई करने से वो खुद को भी नहीं रोक पा रहा है अमेरिका यही कह देता कि हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम सैनिक मदद नहीं करेंगे नहीं कह सकता गजा में पचपन हजार गर्भवती महिलाएं हैं तीस हजार बच्चे बताए जाते हैं सभी के साथ साथ ये भी गंदा और प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। यह सूचना भी उसी इसराइल के अखबार में छपी है हारित्स में अब तो युद्ध अपराध की बात भी कोई नहीं करता दिवाली से करते इस दिवाली में सब लोग खुश हो सर क्या बोल रहे थे आप एक और सेल हो रही है गजा में आठ हज़ार से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है इनमें ज़्यादातर बच्चे हैं औरतें हैं सेव द चिल्ड्रेन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है इस संस्था ने कहा है कि सात अक्टूबर से अब तक तीन हज़ार दो सौ संतावन बच्चे मारे गए हैं इनमें कम से कम तीन हज़ार एक सौ पंचानवे बच्चे गज़ा के थे तैंतीस वेस्ट बैंक और उनतीस इसराइल के भी बच्चे हैं संगठन ने लिखा है कि गजा में मरने वालों में 40 प्रतिशत बच्चे हैं एक हज़ार बच्चों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है 2019 से लेकर अब तक जितने बच्चे दुनिया भर में हिंसा और युद्ध क्षेत्रों में मारे गए हैं उतने तीन हफ्ते में गजा के बच्चों को मार दिया गया बच्चों की तस्वीरें उनकी गिनती बताने से भी इसराइल अमेरिका और उसके दोस्तों को फर्क नहीं पड़ा बहुत साफ है कि किसी भी स्तर की तबाही से इनका दिल नहीं पिघलता दुनिया ने देख लिया कि अब उसके प्रदर्शनों का विलखने का इन हुक्मरानों और राज्यों के चरित्र पर कोई असर नहीं पड़ता है इससे भी इन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला कि जब यह बात स्कूलों के बच्चों तक पहुंच रही होगी तो उन पर क्या असर पड़ रहा होगा दुनिया भर के बच्चों को पता होना चाहिए कि एक दिन उन्हें इसी राज्य की हिंसा का शिकार होना है इसी राज्य के झूठ को सच मानना है और इसी राज्य के झूठ के लिए बच्चों को मारना है अब उनके पास जनता होने और उससे पहले इंसान होने के विकल्प बहुत कम हैं जिन कार्टून चैनलों को देखने में उनका पूरा दिन चला जाता है दरअसल सत्ता ने इन चैनलों के जरिए उन सभी बच्चों को कार्टून बना दिया है यह भी नहीं बहुत बाद में पता चलेगा यह इसराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू हैं इसराइल के चौकीदार हैं इनके ट्वीट से पता चलता है कि इसराइल का यह चौकीदार सो रहा था जब हमास ने हमला किया यह दुनिया के पहले ऐसे चौकीदार हैं जो कह रहे हैं कि उन्हें जगाया नहीं गया चौकीदार कहने से आपको बहुत कुछ याद आएगा मगर सत्यपाल मलिक ने पुलवामा को लेकर जो कहा है अभी उसे आप रहने दें इसराइल के इस चौकीदार की हालत यह है कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद 22 दिन बीत जाने के बाद ट्वीट करते हैं कि उन्हें इसकी चेतावनी नहीं दी गई कि हमास इसराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाला है नेतन्याहू ने इसराइल की सुरक्षा एजेंसियों को दोषी ठहराया और 7 अक्टूबर के हमले के लिए ख़ास तौर पर सेना यानी आईडीएफ और खुफिया एजेंसी के इंटेलिजेंस के प्रमुखों का नाम ले लिया नेतन्याहू के अलावा सुरक्षा बलों के प्रमुख जासूसी एजेंसी शिनबेट नेतन्याहू के वित्त मंत्री सभी ने 7 अक्टूबर के हमले में अपनी जिम्मेदारी मान ली है नेतन्याहू ने अभी तक अपनी जिम्मेदारी नहीं मानी है नेतन्याहू के इस ट्वीट के बाद उनकी वॉर कैबिनेट में तूफान मच गया इसराइल में नेता विपक्ष और फिलहाल नेतन्याहू की इमरजेंसी सरकार में शामिल बेनी गैड्स ने ट्विटर पर जाकर लिख दिया कि नेतन्याहू को बयान वापस लेना चाहिए जब हम युद्ध में हैं तो नेतृत्व को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए सुरक्षा बलों को प्रोत्साहन देना चाहिए पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता यायर लापिड ने कहा है कि इस बयान से नेतन्याहू ने रेड लाइन क्रॉस की है जिम्मेदारी से भागने के ऐसे बयान सेना को कमजोर करते हैं नेतन्याहू ने बाद में अपना ट्वीट डिलीट कर दिया हटा दिया दस घंटे बाद उन्होंने एक दूसरा ट्वीट किया कि मैं गलत था मुझे वो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी और मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूं। गजा के बच्चों और घरों पर जो तबाही बरपाई गई उसके लिए नेतन्याहू ने माफ़ी नहीं मांगी है इन बदहवास तस्वीरों के लिए नेतन्याहू ने माफ़ी नहीं मांगी बाईस तेईस लाख की आबादी में से 14 लाख के बेघर या विस्थापित हो जाने पर माफी नहीं मांगी साढ़े लाख फलस्तीनी यू के केंद्रों पर हैं बाकी अस्पतालों स्कूलों में शरण ले रहे हैं औसतन हर शरण स्थल पर उसकी क्षमता से तीन गुना अधिक लोग आए हुए हैं हर समय मौत के साय में सो रहे हैं मगर इसके लिए किसी ने माफी नहीं मांगी इससे यह पता चलता है कि उनके भीतर नेतन्याहू के भीतर ट्वीट डिलीट करने और ट्वीट के लिए माफी मांगने की इंसानियत अभी बची हुई है इससे यह भी पता चलता है कि युद्ध की विनाश लीला से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है ट्वीट जिसके लिए नेता माफी मांगते हैं ट्विटर पर लिखा गया नेतन्याहू का यह पोस्ट उनके मानवीय होने का कितना बड़ा प्रमाण है युद्ध के बाद भले कुछ ना बचे कोई फलस्तीनी ना बचे गजा में कोई बच्चा ना बचे मगर ट्विटर पर पोस्ट करने के बाद उस ट्वीट को डिलीट करने और उस पर माफी मांगने की संभावना अभी भी दुनिया में है यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है इसराइल का अखबार है हारिज इसके संपादकीय पर एक लेख छपा है जिसका शीर्षक है नेतन्याहू अपोलोजाइजेज फॉर द फर्स्ट टाइम एवर नॉट फॉर द वॉर फॉर ए ट्वीट यह लेख अनशेल फेफर का है नेतन्याहू ने 10 घंटे बाद एक दूसरा ट्वीट किया और पहले ट्वीट में लिखी बातों के लिए कहा मैं गलत था और मैं इसके लिए माफी मांगता हूं मैं सभी सुरक्षा प्रमुखों को अपना पूरा सहयोग देता हूं 24 दिन हो गए इन सभी को आपस में यही पता नहीं कि इनमें से कौन गलत था और जो गलत था उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए यह अपनी गलती का हिसाब नहीं कर पाए मगर हमास के हमले की सज़ा उन नागरिकों को दे रहे हैं जो हमास नहीं है जिनकी कोई गलती नहीं है ऐसे सही लोगों के साथ जो भी हैं इस वक्त उनसे भी गलती को पहचानने की उम्मीद बेकार है नेतन्याहू का लगातार विरोध हो रहा है इसराइल में हमास ने कह दिया कि वो फौरन फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले बंदकों को रिहा करने के लिए राजी है हारित्स में बंदकों के परिवारों का बयान है उन्होंने कहा है कि वे ऐसे समझौतों का समर्थन करते हैं जिसमें सभी बंधकों के बदले बड़ी संख्या में फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया जाए परिवारों ने मांग की है कि इसराइल ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे बंधकों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है परिवारों ने कहा है कि नेतन्याहू ने उनकी बात ध्यान से सुनी है और कहा है कि सभी बंधक एक साथ वापस आएंगे इसी दिन के संपादकीय में यह भी लिखा है कि परिवारों को सार्वजनिक रूप से कहना पड़ा कि उन्हें प्रधानमंत्री और वार कैबिनेट के, के अन्य मंत्रियों से मिलना है वे रक्षा मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं और आरोप लगा रहे थे कि वे उनसे बात नहीं करते अल जजीरा ने लिखा है कि परिवारों द्वारा सड़कों पर प्रदर्शन करने की चेतावनी देने के बाद नेतन्याहू को कहना पड़ा कि वे इन परिवारों से मिलेंगे हमारा सवाल है कि गजा पर बमबारी के फैसले करने वाले एक ऐसे प्रधानमंत्री को उनके इंटेलिजेंस ने सूचना नहीं दी सेना ने सूचना नहीं दी तो उन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की सेना और इंटेलिजेंस के चीफ ने अगर जिम्मेदारी मान ली है तो हटाया क्यों नहीं आपको याद होगा हमने शुरू के कई वीडियो में बताया था कि इसराइल का अखबार हारित अपने संपादकीय में बार बार लिख रहा है कि ये सब नकारे लोग हैं हम भी हैरान थे कि युद्ध के समय एक अखबार अपनी सेना और प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह खुलकर टिप्पणी कर रहा है 174 कैन कैन यू यू बिलीव इट? यस, यूज अब आप ही बताइए क्या इतने अक्षम लोगों को एक छोटे से क्षेत्र के 23 लाख लोगों पर कई हजार बम गिराने की छूट दी जा सकती है आखिर दुनिया के ताकतवर देश इतने नकारे लोगों की बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं नेतन्याहू को गजा में असंख्य बमबारी करने का नैतिक और राजनीतिक ताकत किसने दी जिन विश्लेषणों में कहा गया है कि नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए युद्ध लंबा खींच सकते हैं अब लगता है कि उनकी बातों में दम है तो क्या एक आदमी को अपनी नाकामी छिपाने के लिए नागरिकों पर इस तरह बमबारी करने की छूट दी जा सकती है प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ट्वीट डिलीट हो गया मगर लिखा तो गया ही था और इस ट्वीट को इसलिए नहीं डिलीट किया गया कि वर्तनी की उसमें गलती थी बल्कि अपनी कमजोरी बता रहे थे कि खुफिया विभाग ने जानकारी नहीं दी यह नहीं बताया कि उन्होंने क्यों नहीं पूछा उन्होंने सेना और खुफिया विभाग से रिपोर्ट क्यों नहीं ली कभी ऐसी बातों से प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता था कि आपने किन लोगों को चुना है जिन्होंने आपको अंधेरे में रखा अब तो बहाने बनाकर लोग कुर्सी पर बने रह जाते हैं इसराइल का यह चौकीदार इस तरह जागा है जैसे सब कुछ सात अक्टूबर के बाद ही पता चला है उसके पहले कुछ पता ना था अब पता चल रहा है कि अलशिफा और अन्य अस्पतालों के नीचे टनल बन गया है जहां हमास ने अपने सामान छिपा रखे टनल बनते समय बेचने वाले देश को पता नहीं चला कि वहां क्या क्या बन रहा है वह भी उसके कब्जे वाले क्षेत्र में इतने टनल बन गए और पता नहीं चला इसराइल तो अब अस्पतालों को निशाना बनाने जा रहा है अल जजीरा में रिपोर्ट आ रही है कि इसराइल अलकुत्स अस्पताल के करीब हमले बढ़ा रहा है डब्ल्यू ने कहा है कि वो अलगुत्स अस्पताल को लेकर चिंतित है इसराइल की सेना कहती जा रही है कि अल-शिफा अस्पताल के नीचे आतंकियों का अड्डा है वहाँ पर हमास का सैन्य कमांड सेंटर है इसराइल ने सबूत के तौर पर तस्वीरें और ऑडियो भी जारी किए हैं मगर उनका सोर्स नहीं बताया हमास ने इससे इनकार कर दिया है और कहा है कि ये अस्पताल पर हमला करने के लिए रास्ता बनाने की तैयारी हो रही है वहां पर सैकड़ों मरीज हैं चालीस हजार से अधिक लोग शरण ले रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि साठ हजार लोग शरण ले रहे हैं 28 अक्टूबर को अपने बयान में डब्ल्यू ने कहा कि भारी बमबारी और जमीनी कार्रवाई के बीच पूरी रात स्वास्थ्य कर्मचारियों मरीजों और नागरिकों को पूरी तरह से बिजली और सूचनाओं के संसाधनों से काट कर रखा गया अल जजीरा की एक और रिपोर्ट है यूएनआरडब्ल्यूए के सहायता केंद्रों में हज़ारों लोगों की भीड़ ने घुसकर सामान लूट लिया ये अंदेशा है कि हालात बेकाबू होने लगे हैं सत्ताईस अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र की राहत एवं कार्य एजेंसी ने कहा कि गजा में नागरिकों के लिए भेजी गई मदद हमास तक नहीं पहुंच रही है यू किसी भी मानवीय सहायता को गलत हाथों में पहुंचने नहीं देता है न देगा पश्चिमी ताकतों मीडिया सबका दोहरापन सामने आ गया है वे इसी दोहरेपन के टनल में जी रहे थे आगे भी जीते रहेंगे मगर उसी के समाज में लोग इस दोहरेपन को टक्कर भी दे रहे हैं पश्चिम की नैतिकता अगर किसी ने बचाई तो वहाँ के समाज में रहने वाले इन चंद लोगों ने जो सड़कों पर उतर कर के हक में प्रदर्शन कर रहे हैं इनमें केवल मुसलमान नहीं हैं ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो हर तरह की हिंसा के खिलाफ हर समय सड़कों पर उतरते हैं मगर इन प्रदर्शनों का कभी भी पश्चिम के हुक्मरानों पर असर नहीं पड़ता है। पंद्रह फरवरी दो को इराक पर हमला रोकने के लिए दुनिया के 600 शहरों में एक साथ प्रदर्शन हुए थे लंदन में 15 लाख लोग युद्ध के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे मगर इराक पर हमला करने वाले देशों ने किसी की नहीं सुनी इन प्रदर्शनों को ऐतिहासिक माना गया बाद में साबित हो गया कि जनता सही थी हमला करने वाले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति झूठ बोल रहे थे इराक को लेकर झूठ बोला गया आज भी उन्हीं देशों में लोग युद्ध के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं भले उनकी संख्या इस बार कम है मगर युद्ध के विरोध करने की परंपरा भारत से कहीं ज़्यादा मजबूत नज़र आती है भारत में भी प्रदर्शन हुए हैं मगर बहुत कम ये और बात है कि आज दुनिया भर में हो रहे इन प्रदर्शनों का इसराइल पर कोई असर नहीं इसराइल के मित्र राष्ट्र जो हर युद्ध में शामिल नजर आते हैं उनके पास इसराइल को रोकने की नैतिक शक्ति नहीं है सैनिक सामान की सप्लाई रोक सकते हैं मगर उसकी औकात नहीं है धंधे और लॉबी का भी सवाल है आज सोशल मीडिया के जरिए गजा और फलस्तीन के समर्थन में होने वाले इन प्रदर्शनों का वीडियो और फोटो ज़्यादा तेज़ी से बड़ी संख्या में लोगों के बीच पहुंच रहा है इसके बाद भी तस्वीरों में दिखने वाली जनता की यह ताकत बेअसर है आप देख रहे हैं कि स्टेट यानी राज्य की मनमानी और अनैतिकता के सामने जनता की हैसियत घट गई है जनता भी उस संपादकीय लेख की तरह हो गई है जिसमें गजा के लोगों को नहीं मारने की अपील की जाती है और अगले दिन हत्या और हमला जारी रहता है संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में प्रस्ताव पास भी हो जाता तब भी वो इसराइल पर बाध्य नहीं होता संयुक्त राष्ट्र में इसराइल के राजदूत ने इस संस्था को पैसा देने वाले देशों से कहा है कि वे फंडिंग बंद कर दें जिस संस्था की किसी बात का इसराइल पर असर नहीं उसे भी खत्म कर देना चाहता है संयुक्त अरब अमीरात ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद से अपील की है कि एक ऐसा प्रस्ताव लाया जाए जो इसराइल पर बाध्य हो उसे लागू करना पड़े ताकि गजा में मानवीय मदद पहुँचे मरने से कोई नहीं रोक पा रहा जो बम के हमले में मरने से बच गए हैं जो तड़प रहे हैं कभी भी मर सकते हैं उनके लिए मानवीय मदद पहुँचाने को लेकर ये देश मानवीय हो रहे हैं अब इन बातों का क्या मतलब है क्या इनमें कोई उम्मीद बची है युद्ध विराम की बात तो दूर कुछ समय के लिए युद्ध रुकवाने पर संयुक्त राष्ट्र सफल नहीं हो सका क्या यह संयुक्त राष्ट्र की असफलता है या अमेरिका की सफलता जिसने वीटो का इस्तेमाल कर प्रस्ताव गिरवा दिया चौदह देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया अमेरिका ऑस्ट्रिया क्रोएशिया चेक रिपब्लिक फिजी ग्वाटेमाला हंगरी इसराइल मार्शल आइलैंड माइक्रोनेशिया नाउरू पापुआ न्यू गिनी पैराग्वाई और टोंगा वीटो की ताकत से लैस अमेरिका अपने समर्थन में टोंगा पापुआ न्यू गिनी फिजी को लेकर चल रहा है जॉर्डन ने जिस प्रस्ताव को पेश किया उसे 120 देशों का समर्थन मिला इसमें अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों का पालन करने के महत्व सभी बंदियों की बिना शर्त रिहाई की अपील की गई गजा को आवश्यक रसद सामग्री की निर्बाध आपूर्ति की मांग दोहराई गई मिस्र सऊदी अरब कतर ओमान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रमुख अरब देशों ने इसका समर्थन किया फ्रांस ईरान तुर्की दक्षिण अफ्रीका रूस और चीन ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया संयुक्त राष्ट्र के इस मतदान को कई तरह से पढ़ा जाएगा मगर एक बात तो नज़र आती है कि दुनिया के 120 देश प्रस्ताव के साथ थे अमेरिका के साथ नहीं थे उन 120 देशों में फ्रांस भी था उसने भी एतराज़ किया कि हमास की निंदा नहीं है मगर हमले के 22वें दिन बाद मानवीय मदद पहुंचाने के लिए कुछ समय युद्ध रोकने के प्रस्ताव का समर्थन कर गया प्रस्ताव गिर जाने के बाद भी इसराइल का समर्थन नहीं है यह भी दिखा भारत ने इस मतदान में हिस्सा नहीं लिया शांति का पुजारी और लोकतंत्र की मां कहलाने वाला यह देश संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में गैर हाजिर नजर आया भारत के पड़ोसी देश जिनके बारे में बताया जाता है कि भारत के सामने इनकी कोई हैसियत नहीं है उन्होंने भी गजा में मानवीय मदद पहुंचाने के प्रस्ताव का समर्थन कर दिया भारत ने गजा के लिए मानवीय मदद भेजे हैं फलस्तीन की मांग का भी समर्थन किया है मगर इस मतदान से किनारा कर लिया सवाल उठ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी कहा करते थे कि इक्कीसवीं सदी एशिया की सदी है मगर दक्षिण एशिया में भारत अकेला ऐसा देश है जिसने वोट नहीं डाला भारत के सभी पड़ोसियों ने हा में वोट डाला है वायर के संस्थापक पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन ने ट्वीट किया है कि एशिया के एक छोर से लेकर हिंद महासागर के दूसरे छोर तक नक्शे पर अगर एक तरफ इसराइल को चिन्हित करें और दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया को तो इनके बीच में भारत को छोड़कर हर देश ने युद्ध विराम के समर्थन में वोट किया आज की तारीख में विश्वगुरु अपने इलाके में इतना अलग थलग हो चुका है संयुक्त राष्ट्र की महासभा में एक सदस्य हैं एक देश अमेरिका और इसराइल के पीछे नहीं गए पैंतालीस देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया जिसमें भारत भी शामिल है कई लोगों का यह भी मानना है कि इस मतदान से अगर कोई अलग थलग हुआ है तो वह है अमेरिका जनमत में अमेरिका अलग है इससे आप देख सकते हैं कि जनमत की राय का अब कितना महत्व रह गया है अगर आप खुद को जनता समझते हैं तो अपने भविष्य के बारे में भी सोचिए यहाँ भी लोकल लेवल पर भी और ग्लोबल लेवल पर भी अमेरिका जरूर अकेला लग रहा है मगर वो सबसे ताकतवर है वो इसराइल के साथ है और इसराइल हमला किए जा रहा है भारत ने गैर हाजिर रहकर अपने लिए कौन सा रास्ता चुना है इस पर बहस चलती रहेगी सुहासनी हैदर ने सरकारी सूत्रों के दस्तावेजों से हिंदू अखबार में रिपोर्ट किया है कि सरकार ने यूएन में वोट नहीं देने के फैसले का बचाव किया है सरकार की ओर से कहा गया है कि इस प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से हमास के हमले की निंदा नहीं की गई थी इसे विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब के रूप में देखा जा रहा है सूत्रों का कहना है कि प्रस्ताव के आखिरी ड्राफ्ट में हमास की निंदा न किए जाने पर भारत की चिंताओं को शामिल नहीं किया गया इसलिए भारत ने वोट नहीं किया जबकि सुहासिनी आयदर ने रेखांकित किया है कि खुद भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में दिए गए स्पष्टीकरण में हमास का नाम नहीं लिया गया था यही नहीं इसराइल के राजदूत ने भारत से मांग की है कि वो हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करे मगर उसी दिन संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कनाडा द्वारा पेश किए गए संशोधन के पक्ष में वोट कर दिया और वो गिर गया कनाडा से इस वक्त भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं मगर वो कनाडा के संशोधन का पक्ष लेता है इस प्रस्ताव में मांग की जा रही थी कि हमास और उसके द्वारा बंधक बनाए जाने की निंदा की जाए इसके समर्थन में 88 वोट मिले विरोध में 55 और 23 देशों ने वोट नहीं किया ट्यूनीशिया के अलावा हर अरब देश ने इसका विरोध किया दो तिहाई वोट न मिलने के कारण यह प्रस्ताव गिर गया तो इस राजनीति से आप क्या हासिल करते हैं अपने लिए मानवता और उसके इतिहास के लिए ग़ज़ा पर बमबारी तो होती ही रही है हमने कई बार कहा कि इस दौर में कोई विश्व नहीं है सब गुरु बनकर विश्व को झांसा दिए जा रहे हैं कोई आगे नहीं चल रहा सब एक दूसरे के पीछे पीछे चल रहे हैं अल जजीरा में शकीब असरार और मोहम्मद हुसैन का एक शोधपूर्ण लेख है यह लेख बताता है कि अमेरिका ने कम से कम चौंतीस बार संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में ऐसे प्रस्तावों को वीटो कर दिया जिनमें इसराइल की निंदा की जा रही थी साथ ही ऐसे प्रस्तावों का भी विरोध किया जिनमें फलस्तीन राज्य की मांग की जा रही थी 1945 से लेकर अब तक 36 बार सुरक्षा परिषद में इसराइल फ़लस्तीन से संबंधित प्रस्तावों के मसौदे पांच में से किसी एक स्थायी सदस्य ने वीटो कर दिए चौंतीस बार इन्हें अमेरिका ने वीटो किया रूस और चीन ने एक एक बार इनमें से अधिकतर प्रस्ताव इसराइल फलस्तीन के बीच शांति स्थापित करने के लिए ढांचे पेश कर रहे थे अमूमन इनमें इसराइल से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून को मानने की अपील की गई थी फलस्तीनी राज्य के लिए आत्मनिर्णय की बात कही गई और फलस्तीनियों के विस्थापन के लिए इसराइल की निंदा की गई अमेरिका ने इसराइल के पक्ष में 46 बार वीटो किया है इस जंग के दौरान फलस्तीन का नक्शा घूम रहा होगा आपने देखा होगा कि इसके गांव, शहर कैसे कब्जा लिए गए इसके लोगों को किस तरह से घेर कर दीवार तक धकेल दिया गया अब इनका खात्मा किया जा रहा है दिसंबर 2017 की बात है उस वक्त दुनिया भर में यह खबर छपी थी ट्रंप ने जेरूसलम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दे दी सात दशक से अमेरिका की विदेश नीति को बदलते हुए कह दिया कि अब अमेरिका का दूतावास तलबीब की जगह जरूसलम में होगा तब संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लाया गया प्रस्ताव में था कि कोई भी ऐसा कृत्य जो जेरूसलम के दर्जे में बदलाव करने की कोशिश करता है उसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है मान्यता नहीं है मांग की गई कि जेरूसलम का दर्जा यूएन के नियमों के अनुसार हो सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट किया केवल कि अमेरिका ने वीटो कर इसे गिरा दिया तब तो हमास नहीं था के सवाल पर साथ ना देने वाले इन ताकतवर देशों से उम्मीद की जा रही है कि इसराइल का विरोध करेंगे ऐसा तो कोई कवि भी अपनी कविता में इसकी कल्पना नहीं कर सकता कतर के मामले में आठ पूर्व भारतीय नौ सैनिकों के परिजनों से अब जाकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की है कहा है कि सरकार गंभीरता से कोशिश करेगी इसके पहले नौसैनिक के परिजन आरोप लगा रहे थे कि वे प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं उनसे ठीक से संवाद नहीं हो रहा तीन दिन पहले 27 अक्टूबर को यह परिवार भाजपा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव से मिला क्या इसका मतलब है कि इतने महीनों से चल रहे मामले में विदेश मंत्रालय ने अभी तक परिवारों से सीधा संपर्क नहीं किया नरसिम्हा राव ने कहा कि मैंने विदेश मंत्री और कतर में भारत के राजदूत से बात की भारत सरकार परिवार को हर सहायता देगी इसराइल और गजा के मसले को एक लाइन में जानने की कोशिश मत कीजिए मेहनत कीजिए दशकों की नाइंसाफियां दफन हैं उन्हें जानिए समझिए सारी बहस को आप निंदा तक सीमित नहीं कर सकते भारत का गोदी मीडिया ऐसा ही करेगा उससे मेहनत नहीं करनी है वो हमास के बहाने एंटी मुस्लिम भावनाओं को भड़काता रहेगा सहलाता रहेगा ताकि रिटायर्ड अंकिलों और सांप्रदायिक हो चुकी जनता का बड़ा हिस्सा इसके बहाने अपने हिंदू सुख को का लुत्फ उठाते रहे उसे सहलाती रहे केरल में धमाका होता है पता नहीं चलता कि क्यों हुआ किसने किया लेकिन उससे पहले इसे हमास से जोड़ दिया जाता है तो मकसद एक ही है आपको एंटी मुस्लिम तालाब में डुबा कर रखना है बताना है कि यही हिंदू सुख है प्याज बहुत महंगा है एक जनाब सलाह दिए जा रहे हैं कि युवाओं को एक सप्ताह में सत्तर घंटे काम करना चाहिए जैसे सभी युवाओं को रोजगार मिल गया है आप जानते हैं कि कितनी कम सैलरी का रोजगार रह गया है इस देश में और युवा वैसे भी दिन रात काम कर रहे हैं लेकिन इस बयान से ऐसा लगता है कि भारत के युवा काम नहीं करते हैं रोजगार सबको मिल गया है उन्हें सत्तर घंटे काम करना चाहिए आप जनता इसका विरोध ना कर सके विरोध करने की तर्क शक्ति आपके भीतर खत्म हो जाए इसलिए आपको धर्म के नाम पर हिंदू सुख की सप्लाई की जाती है अमेरिका का सारा प्रयास दिखावे का है इस दिखावे के लिए भी वह कितना पेट्रोल फूंक रहा है जहाज उड़ा रहा है उसके विदेश सचिव कहां कहां जा रहे हैं पता है कि साथ इसराइल को देना ही है उसे रोक नहीं पा रहे हैं चिंता फैला रहा है कि मध्य पूर्व में युद्ध ना फैल जाए जैसे गजा पर बम नहीं फूल बरसाए जा रहे हैं आप भी अपने दोहरेपन को समेटते रहिए विश्व गुरु के नाम पर आप लपेटे जा रहे हैं रहिए है। नमस्कार मैं रविश कुमार थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जे एम फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन